हेलो दोस्तों, चलिए आज हम ये फ्लावर ट्यूटोरियल बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है ये डिजाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद से 1 2 3 4 5 6 6 चेन कर लेंगे। फर्स्ट वन में ले के हम ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पर धागे को खींचेंगे, पफ बनाएंगे। यहाँ पर 1 और 1 2 हुआ, 3 4 5 5 टाइम ऐसे धागे को खींचेंगे। इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। फिर 1 2 2 चेन फंदे लेंगे, सेम जगह पे सेम चीज़ें। फिर 1 2 3 4 5 फिर ऐसे निकालेंगे पूरा और ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 2 चेन फिर फंदे लेंगे, फिर सेम चीज़ें 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। देखिए फिर 1 2 2 2 चेन करना है, 1 1 पफ बनाना है, राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने राउंड में पूरा 8 पफ बना लिया, 8 पफ हमने बना लिया ऐसे, और 2 चेन कर ली हैं। पहले वाली में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से ये 2 चेन किए हैं, इसमें ऐसे बांध के धागे को खींचेंगे, फिर से पफ बनाएंगे ऐसे 1 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। फिर 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे सेम जगह पे ही, फिर से पफ बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। देखिए फिर 2 चेन फंदे लेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में फिर बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 फिर ऐसे, फिर 1 2 फंदे लेंगे सेम जगह पे, फिर से बनाएंगे 1 2 3 4 5 फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। फिर 1 2 चेन, 2 2 चेन करना है, 1 1 पफ बनाना है, और जो 2 2 चेन का ये बनाए हैं उसमें 2 2 पफ हमें बनाना है। 1 पफ से दूसरे पफ में जाने में हमें 2 चेन करना है। तो ऐसे ही राउंड में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने पूरे में 2 2 पफ ऐसे बना लिया पूरा पूरा। और फिर फर्स्ट वन में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और ये बांध के हम कट कर लेंगे। देखिए और इसे हम बैक साइड लगा देंगे ऐसे। देखिए उसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, ऐसे नॉट लगाएंगे, कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देखिए दोनों पफ के बीच में ऐसे बांध लिए और यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन करके डबल फंदे लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पर 8 बना रहे हैं ट्रिपल क्रोशिया। आप लोग को चाहिए तो ये और भी बना सकते हैं। 8 बना के इसके बगल वाला जो है चेन, ये 2 चेन का, इसमें लेके ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे डबल फंदे। फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम फिर से बनाएंगे ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7
सात, आठ। फिर से हम एट बना लेंगे, देखिए। फिर इसके नेक्स्ट वाले में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर डबल फंदे, फिर इसमें बनाएंगे। तो हमें ऐसे ही एट एट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक में बनाना है, एक में ज्वाइंट करना है, एक में बनाएंगे, एक में ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने पूरे राउंड में बना कंप्लीट किया। फिर इसके बगल में यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट करेंगे और जो पहला बनाया है उसमें लेके ऐसे ज्वाइंट करके और ये बांध के हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए ये फ्लावर डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।